वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन, माय नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, जिसमें नीति आयोग ने इंडिया की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस मेजर की है व्हेन इट कम्स टू फुलफिलमेंट ऑफ दीज गोल्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम इज अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। सो जब हमने 2000 ईयर में एंट्री ली तो दुनिया की सभी यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इकट्ठा होकर कुछ ऐसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स चूज किए जिन्हें अचीव करने के लिए 2000 से 2015 के बीच में ये सभी मेंबर कंट्रीज कोशिशें करेंगी। सो इन द ईयर 2000 देयर वाज अ मिलेनियम समिट, and in this summit some international development goals were adopted by all the UN members. ये कुछ time bound quantified targets थे जिन्हें सभी countries ने achieve करना था by the year 2015. The overall objective was that the world becomes a better place to live in for everybody. So कौन से ये millennium development goals थे जो साल 2000 से 2015 के बीच सभी countries का target रहे, जिन्हें पूरा करने के लिए सभी कंट्रीज ने, सभी सरकारों ने कोशिशें की। दीज आर द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। द फर्स्ट वन वाज टू एरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। सेकंड इज अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ वन इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ वन वाज इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ वाज टू कॉम्बैट HIV, AIDS, malaria and other such diseases. Then the seventh one was related to environment. This was ensuring environment sustainability, and the last one was to develop a global partnership for development. तो सभी UN member countries ने ऐसी कोशिश की कि इन 8 targets को पूरा किया जाए। India ने भी ऐसी कोशिश की। India ने काफी efforts किए, काफी schemes, missions launch किए for all these 8 goals. And what was our performance like? So let us have a look on our performance. क्या चीजें हमने achieve की, क्या हम नहीं कर पाए? So these are some of our achievements, some of our positive points. Between the year 2004 and 2011, the poverty it fell from 41.6% to 32.7%. तो poverty में एक considerable fall आया इंडिया में 2004 से 2011 के बीच में। And this was also the period जिसमें poverty decline सबसे तेजी से इंडिया में हुई। So the first goal of reducing poverty by half was achieved. The next achievement was gender equality. We achieved gender equality. So the gender gap between the number of male child enrolling for primary school and the number of female child enrolling for the primary school, that was reduced, that was almost finished, and we achieved gender equality. Next achievement was improvement in the maternal mortality, that was reduced by 3/4. जो maternal mortality rate हम measure करते हैं, in which we consider कि कितनी माएँ बच्चों को पैदा करते हुए मर गई, उनकी death हो गई because of various reasons, इसमें भी हम 3/4 reduction ला पाए। The next positive was that we reduced by half the proportion of population with no access to clean drinking water. Now, ये तो थी कुछ अचीवमेंट्स हमारी। लेट अस सी क्या हम नहीं कर पाए। प्राइमरी स्कूल में हमने जेंडर गैप तो खत्म कर दिया, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में हम एनरोलमेंट टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर पाए। जितने बच्चे हम चाहते थे कि प्राइमरी स्कूल में एनरोल हों, उतने नहीं हो पाए। तो इसका मतलब है कि लाखों बच्चे प्राइमरी लेवल्स पे स्कूल से बाहर हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन दैट कुड नॉट बी इंक्रीज्ड, और इनफैक्ट इंडिया का जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज इवन लोअर देन बांग्लादेश, नेपाल एंड सच अदर कंट्रीज। सो वुमेन इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, दैट इज अनदर चैलेंज दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू सक्सेसफुली ओवरकम। नेक्स्ट थिंग जो हमने मिस कर दी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट तो हमने कम कर लिया, लेकिन जो चाइल्ड और इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, जो छोटे बच्चे जन्म के दौरान, जन्म के बाद मर जाते हैं, उनमें जो रिडक्शन हम ला पाए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को सेटिस्फाई कर पाते। तो ये थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये तो एक पुरानी न्यूज थी। 2000 से 2015 के बीच में हमें इन गोल्स को अचीव करना था। 2015 में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पीरियड खत्म हो गया, आफ्टर दैट हमने नए सेट ऑफ गोल्स अडॉप्ट कर लिए। हमने दैट मीन्स सभी यूएन मेंबर कंट्रीज ने, दुनिया के सभी देशों ने। तो ये जो नए गोल्स थे जो 2015 में अडॉप्ट किए गए, ये थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 गोल्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर हम इन्हें जानते हैं ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, ये 17 गोल्स हैं। तो 8 से बढ़ के अब 17 गोल्स हो गए। ये गोल्स भी अडॉप्ट किए गए थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, और जो एजेंडा अडॉप्ट किया था उसका नाम था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दैट मीन्स 2015 में हमने इन गोल्स को अडॉप्ट किया और 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि हम इन गोल्स को अचीव कर पाएं। और ये गोल्स रिलेटेड थे गरीबी से, इनइक्वालिटी से, क्लाइमेट चेंज से। वी आर गोइंग टू सी ये 17 गोल्स थे क्या जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करेंगे। इन 17 गोल्स के अंदर 169 टारगेट्स भी थे जिन्हें सब कंट्रीज इन 15 सालों में अचीव करने की कोशिश करेंगी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए थे कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2012 में। तो दुनिया को पता था कि 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नए सेट ऑफ गोल्स अडॉप्ट करने के लिए 2012 से ही कोशिशें शुरू हो चुकी थी। और ये गोल्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज क्लाइमेट चेंज, इट इज थ्रेटनिंग आवर लाइव्स। ऑलरेडी काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी नुकसान सह रही हैं। चाहे ये नुकसान हो ज्यादा फ्लड्स की वजह से, ज्यादा साइक्लोन की वजह से, और भी सारे डिजास्टर्स बढ़ गए हैं। हमारी फूड सिक्योरिटी को खतरा है, हमारी वाटर सिक्योरिटी को खतरा है। दुनिया के कुछ हिस्से डेजर्टिफाई हो रहे हैं। देयर इज डेजर्टिफिकेशन हैपनिंग इन मेनी रीजंस। सो वी वांट आवर डेवलपमेंट टू बी सस्टेनेबल नाउ, एंड उसके लिए ये 17 गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीज गोल्स आर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life underwater, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals. तो अगर आप इन सभी गोल्स को ध्यान से देखोगे तो आपको ये याद आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं रिसेंटली। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सस्टेनेबल सिटीज में स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहा है काफी शहरों के अंदर। देन अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन चल रहा है। तो ऐसे जो भी मिशंस आपके दिमाग में आते हैं, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस, एंड इफ यू विश आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या एफर्ट्स ले रही हैं। सो दीज आर द 17 गोल्स। ये सभी 17 गोल्स हैं जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी। सारी दुनिया मिलकर इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है। The pledge is to leave no one behind. कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इस तरह की sustainable development होनी चाहिए। So countries have committed to fast track progress for those furthest behind first. तो सबसे पीछे जो है कतार में, उसकी डेवलपमेंट सबसे पहले हो, वो पीछे ना छूट जाए, ऐसा कंट्रीज ने प्लेज किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये फोकस करेंगे कि कुछ लाइफ चेंजिंग जीरोज अचीव किए जाएं, जैसे कि जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एंड ऑफ एड्स, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। सो दीज आर सम ग्लोबल चैलेंजेस एज वेल एज वेरी बिग चैलेंजेस फॉर इंडिया एज वेल। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी कोशिश कर रहे हैं कि इन गोल्स को अचीव किया जाए ताकि हम भी गरीबी खत्म कर पाएं, हंगर खत्म कर पाएं, बीमारियां खत्म कर पाएं, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी अगेंस्ट एनी जेंडर दैट शुड ऑल्सो एंड। सो वी आर ट्राइंग, बट अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी इंडियन स्टेट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है। सो उसके लिए नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स लॉन्च किया। इस इंडेक्स का ये फायदा होगा कि एक तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे और दूसरा उनके बीच में एक हेल्दी पॉजिटिव कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली स्टेट टॉप में रहना चाहेगी और जो स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी उसके लिए नेगेटिव मीडिया हेडलाइंस बनेंगी और वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। सो दिस इंडेक्स इट वॉज डेवलप्ड बाय नीति आयोग and it was launched in December 2019 और ये सेकेंड एडिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का जो नीति आयोग ने लॉन्च किया था। 2018 में पहला ऐसा इंडेक्स लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने, और ये इंडेक्स 16 इंडिकेटर्स के ऊपर क्वांटिटेटिव असेसमेंट करता है और क्वालिटेटिव असेसमेंट होगा 17th गोल का, बिकॉज 17th गोल वॉज पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स। तो इसका क्वांटिटेटिव असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। आपने गरीबी कितनी कम की, हंगर कितनी कम की, आपने डिजीजेस कितने रिड्यूस किए, इनइक्वालिटी कितनी रिड्यूस की, इसको तो आप क्वांटिटेटिव मैनर में एनालाइज कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर गोल्स का क्वालिटेटिव असेसमेंट होगा। और ये इंडेक्स 100 नेशनल इंडिकेटर्स के ऊपर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मॉनिटर करता है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। एंड दिस इज डिजाइंड टू हेल्प द लीडर्स एंड चेंज मेकर्स to evaluate their performance on social, economic and environmental parameters। तो यही सारे goals हैं, social, economic और environmental parameters पे ही ये सारे goals हैं और ये leaders को help करेंगे कि वो अपनी performance को जांच पाएं। ये एक collective effort है। This index it has been developed in collaboration with the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, United Nations Office in India and Global Green Growth Institute। और ऑब्वियसली नीति आयोग के साथ मिलके इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने, एजेंसीज ने इस इंडेक्स को डेवलप किया है। और जो 2019 में इंडेक्स आया था उसमें सभी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की सेपरेट प्रोफाइल्स थी, जिससे इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस और बेहतर तरीके से एनालाइज की जा सकती है। अब इस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए 0 से 100 के बीच में सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। वेटेड एवरेज बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को मार्क किया जाता है। एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज फ्रॉम 0 to 100। तो अगर तो कोई स्टेट 0 से 49 में है तो उसे एस्पिरेंट बोला जाएगा। बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव वर्ड फॉर द स्टेट्स विच आर नॉट डूइंग वेरी गुड, तो उनको एस्पिरेंट कह दिया जाएगा। 50 से 64 में परफॉर्मर कहा जाएगा। 65 टू 99 के बीच में जो स्टेट्स होंगी वो फ्रंट रनर स्टेट्स होंगी। एंड 100 इफ सम स्टेट अचीव्स 100 पॉइंट्स दे विल बी द अचीवर्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द 2019 इंडेक्स। द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इज केरला। इन मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स केरला इज वेरी गुड। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेक्टर की अगर बात की जाए तो केरला एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है। उनके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर वो काफी इन्वेस्ट करते हैं, काफी ध्यान देते हैं। सो दैट इज व्हाई केरला इज द टॉप मोस्ट स्टेट। देन हिमाचल, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स आर इन द साउथ इंडिया। सो यू कैन सी दैट साउथ इंडियन स्टेट्स दे आर बेटर इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देन कम्स सिक्किम, अनदर शाइनिंग स्टेट इन इंडिया। पहली ऐसी स्टेट थी जिसने कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया था। Then we have Gujarat, Maharashtra, Uttarakhand and Punjab. These are the top 12 states. Then the states which are not able to do very good, these are Bihar. So Bihar is the worst performing state. ये सबसे नीचे लेवल पे है बिहार in the Sustainable Development Goals Index. उससे ऊपर है झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, यूपी और असम। 55 पॉइंट्स शेयर करते हैं। और ये है यूनियन टेरिटरीज की स्कोरिंग। चंडीगढ़ सबसे बढ़िया यूनियन टेरिटरी है व्हेन इट कम्स टू द एसडीजी इंडेक्स। देन इज पुडुचेरी, फिर है दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव। सो ये थी परफॉर्मेंस हमारी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की। अगर हम बात करें इंडिविजुअली कि इन इंडिविजुअल गोल्स के अंदर कौन सी स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सो दीज स्टेट्स आर in ending poverty in the goal number 1, no poverty, Tamil Nadu, Jammu, Kashmir and Ladakh. These are the best states and these are the other states. For example, in the second goal, Goa and Chandigarh, they are performing the best in achieving zero hunger. फिर अगर health और well-being की बात की जाए, Kerala और Puducherry, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सबसे बढ़िया हैं। जेंडर इक्वालिटी के अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, क्लीन वाटर और सैनिटेशन में आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी सिक्किम और पुडुचेरी सबसे बढ़िया परफॉर्मर्स हैं। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर तेलंगाना और चंडीगढ़। देन इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो केरला, गुजरात, दमन एंड दीव, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली। इनइक्वालिटीज कम करने में तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज बनाने में हिमाचल, गोवा और चंडीगढ़। सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन में नागालैंड और चंडीगढ़। क्लाइमेट एक्शन लेने में कर्नाटका और लक्षद्वीप बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। लाइफ बिलो वाटर, मरीन लाइफ की रक्षा करने, उसको बेहतर बनाने के लिए कर्नाटका सबसे अच्छा परफॉर्मर है। जमीन के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पंछी हैं, जानवर हैं, एनवायरमेंट है, उसको बेहतर बनाने में सिक्किम, मणिपुर, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप, दीज आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। और 16th गोल पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी ये बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। सो दिस इज द सिंगल इंडिविजुअल गोल वाइज परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड यू शुड नॉट मिस ऑल दीज वीडियोज इंक्लूडिंग द मंथली करंट अफेयर वीडियोज। So I hope you have subscribed to this channel and you have pressed this bell icon, because otherwise sometimes you miss the updates. If you have not pressed this icon तो आपको notification नहीं आएगी। इसके अलावा आप Instagram पे follow कर सकते हो लॉन्च पैड एजुकेशन को, so that अगर YouTube पे कोई आपको notification नहीं आती तो आपको Instagram से पता लग जाएगा कि एक नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। That is all for now। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की तो आई होप, आई एक्सपेक्ट आप लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। एंड यू कैन लीव योर कमेंट्स इफ यू विश टू गिव एनी सजेशंस, इफ यू वांट टू गिव योर फीडबैक, इफ यू वांट टू से एनीथिंग गुड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।